माननीय प्रधानमंत्री जी, राम राम। राम राम। राम राम। मेरा नाम मुकेश सैनिया जी, मैं जिला जींद। मुकेश जी नमस्ते। मेरा जिला जींद से बोलो जी, हल्का जुलाना से राम राय मंडल अध्यक्ष जी। मेरी राम राय छोटी सी चाय की दुकान है जी, अड्डा पे, जहाँ अपने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी चाय बना के गए थे जी। अच्छा अच्छा यही मुकेश जी है जी? जी भाई। हाँ, मैं कल भी तो आया था आपके यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ, बहुत भीड़ थी जी। अच्छे अच्छे लोग आपके यहाँ चाय बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमारे हमने सुना है आपको तो मुख्यमंत्री जी से बहुत बड़ी दोस्ती है। हाँ जी, हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा प्यार है जी उनका। देखिए भाई, मैं भी चाय वाला रहा हूँ, तो मैं भी तो आपका भाई हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हमारा तो सौभाग्य है जी। मेरा तो अच्छा मुकेश जी बताइए। हाँ जी, मैं जरा जानना चाहता हूँ, कल की सोनीपत की सभा तो बड़ी जबरदस्त थी भाई, और हाँ जी, मैं हाँ तो देख करके आया। मैं मानता हूँ कि बिल्कुल आपने जैसे विजय पक्का कर लिया है। हाँ लेकिन जी, हाँ जी। मुझे पोलिंग बूथ जीतना है जी। चुनाव हाँ जी। तो जीतना था, पक्का कर लिया हरियाणा ने। हाँ जी, मुझे कार्यकर्ताओं से मेरी एक ही मांग है बस। हाँ जी, पोलिंग बूथ जीत करके लाओ। मैं कार्यकर्ता हाँ से और कुछ नहीं मांगता हूँ। ठीक है जी, सब जीतेंगे जी। अच्छा मुकेश जी, जरा बताइए ना वहां के कैसा है। आप तो आपके यहाँ तो चाय का दुकान है, तो इतने लोग आते होंगे, नौजवान आते होंगे, दुनिया भर की बातें सुनने को मिलती होगी, आपसे भी हाँ बहुत जी, कुछ पूछते होंगे, और आप तो मुख्यमंत्री जी के मित्र हैं, तो जरा और भी आपके साथ बातें बहुत करते होंगे। हाँ जी, अपनी जैसे चाय की दुकान है अड्डा पे जी, वहाँ बस स्टैंड पर है, जहाँ पर बच्चे कॉलेज जाते हैं, वह बैठ कर बतलाते हैं भाई, हम जो पढ़ते हैं, पढ़ने वाले जो कांग्रेस में, उनको पढ़ने लिखने वाले बच्चों पर डाका डाला गया है, और लोगों को पता भी है कांग्रेस की सरकार में यहाँ कोई विकास नहीं होगा जी, इसलिए लोग बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं जी। और हरियाणा में आने वाली अब पर्ची और खर्ची वाला राज नहीं चलेगा जी, इसलिए लोग बीजेपी के साथ हैं जी। नौजवान कहते हैं जी, जहां जाते हैं वहां खूब वादा करते हैं, फिर लोग इनके ऑफिस में ये कांग्रेस वाले बाहर धक्का मार कर बाहर निकाल देते हैं जी, झूठ बोलकर। कांग्रेस वाले तो अपने परिवार के लिए ही जीते हैं जी, ऊपर से नीचे तक यही उनका चरित्र है। हाँ जी, उनको और उनको जी किसी और के बच्चों की चिंता नहीं है ना जी, हरियाणा में युवाओं में आपके साथ ऊर्जा और आपकी मेहनत, और आप जिस तरह से लोगों से जुड़ते हैं सर, उससे लेकर बहुत सम्मान है सर। देखिए, इस बार तो हमारे सोनीपत ने खेलकूद के मैदान में बहुत कुछ किया है। पैरालंपिक हो तो भी हमारे सोनीपत, ओलंपिक हो तो भी हमारा सोनीपत। हाँ जी, देखिए हरियाणा का नौजवान यानी सब कुछ कर सकता है, चाहे वो सेना हो, चाहे खेती का नया काम हो, चाहे खेलों का काम हो। हमें ये नौजवानों की शक्ति हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए लगानी है जी, पूरी ताकत जी, नौजवानों को। हमने युवा वोटर्स और जो पहली बार वोटर बने हैं ना, जिनकी उम्र 18-20 साल है, उन्होंने तो ये कांग्रेस वालों के पाप पता ही नहीं बेचारों को। हाँ जी, कितना भ्रष्टाचार करते थे, कितना भाई भतीजावाद करते थे, दलाली कैसी चलती थी, या तो दलाल या तो दामाद, यही वहां के सुनाई देता था हमेशा। हाँ जी, ये हाल जो है वो नई पीढ़ी को बताना पड़ेगा। हाँ जी, युवा वर्ग तो कहूंगा कि सर। हाँ मुकेश जी बताइए। युवा वर्ग जानता है, आज हरियाणा में नया बिजनेस, नई फैक्ट्री और रोजगार सिर्फ आप ला सकते हैं सर। देखिए, नौजवान तो पढ़ता लिखता है, सोचता भी है, उसको बताइए। ये अपने बगल में हिमाचल का क्या हाल हुआ? हाँ जी, वोट पाने के लिए हिमाचल कांग्रेस ने ऐसे कैसे वादे किए, ऐसे वादे किए जैसे हर घर के सोने की छत बना देंगे, ऐसे ही वादे किए, और सरकार बनने के बाद हाथ ऊपर कर लिए। ओल्ड पेंशन स्कीम की बातें की, अभी वहां हड़ताल चल रही है, वो सरकारी मुलाजिमों को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, विकास का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने सरकारी भर्तियां नहीं कर पा रहे हैं,
अरे कई कई महीनों तक डीए नहीं मिला हुआ है, डीए अटका हुआ है, सड़क बिजली पानी स्कूल अस्पताल सब ठप पड़ा है। अरे इन्होंने तो वादा किया था कि महिलाओं को 1500 रुपया देंगे, आज 2 साल हो गए, हिमाचल की महिलाएं कांग्रेस से इंतजार कर रही है। आपने सुना होगा लोकसभा में तो उन्होंने 1 जुलाई को 8000 रुपया मिल जाएगी कहा था, सब लोग जुलूस लेकर के उनके कार्यालय पर पहुंच गए। हाँ जी, तो ये कांग्रेस के झूठ क्या है और कैसे बर्बादी कर रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए कैसी झूठ बोल सकते हैं, ये हिमाचल ऐसा उदाहरण है, आप वहां नौजवानों को जरूर बताइए। जी जी, एक एक और प्रधानमंत्री जी, मैं ये चाहूंगा एक बार अपनी रामराय वाली चाय वाली दुकान पर आओ जी, एक बार चाय पी के जाओ जी। अरे पक्का आएंगे मुकेश जी। हाँ, मुझे ये एसपीजी वाले ऐसे परेशान करते हैं ना, पहले तो हरियाणा आता था मस्ती से किसी की भी स्कूटर पे चला जाता था। हाँ जी, बस हाँ में चला जाता था, अब वो नसीब मेरा पता नहीं क्या हो गया। हाँ जी, लेकिन आपका प्यार, ये आपका प्यार ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जींद में आप स्कूटर पर आकर थे जी? जींद में मैं रखता था, हमारे रामेश्वर जी के घर जाता था सीधा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, झोला अपने रामेश्वर जी के यहाँ लटकाता था और फिर निकल पड़ता था पैदल। हाँ जी, हाँ जी, हम सुनते हैं जी ये बात जींद में जी। नहीं मैं जी बहुत बहुत है ना, बहुत जगह पे गया हूँ, बहुत लोगों से मिला हूँ और अभी भी मुझे इतनी मीठी यादें हैं मेरे पास, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मुकेश जी देखिए, मेहनत बहुत करनी चाहिए, ये बात पक्का है, चुनाव जीतेंगे। पूरी मेहनत करनी है बूथ जीतने के लिए, हर बूथ जीता है जी, बूथ जीतने का ही काम है। और आज मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, हजारों कार्यकर्ता आज मेरे साथ टेलीफोन पर जुड़े हैं, मेरा उनसे एक ही आग्रह है, बाकी जो भी काम आए वो करते रहिए, मोदी की तरफ से एक ही काम है, बूथ जीतो, पोलिंग बूथ जीतो, पोलिंग बूथ में भाजपा का झंडा झुकने नहीं देना है। नौजवान वोटर भी हमें वोट करें, माताएं बहनें हमें वोट करें, बुजुर्ग हमें वोट करें, किसान हमें वोट करें, विश्वकर्मा योजना वाले जो गांव के अंदर रहते हैं वो सारे हमको वोट करें, पूर्व सैनिक हमें वोट करें, ये वातावरण हमको बनाना है जी। हाँ जी, चलिए मुकेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, अब आगे कौन मेरे से बात करेगा। राम राम जी।